सच साहस सरोकार। सदन के स्थगन पर समाजवादी पार्टी नेताओं में आक्रोश, विभिन्न मुद्दों पर सरकार का किया घेराव। बाना में शीतलहर से किसान की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराए पोस्टमार्टम। गोंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पटरी कृपाल परिसर में आशा बहुओं का प्रदर्शन, वेतन न मिलने का लगाया आरोप। बुलंदशहर के जेएसपीजी कॉलेज ने हिजाब पहनने पर लगाए बैन, छात्राओं के परिजनों ने फैसले का किया विरोध। फर्रुखाबाद के प्राथमिक स्कूल के प्रधानाचार्य मिले नशे के धुत, प्रधानाचार्य के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र में सदन की कार्यवाही 6 घंटे 28 मिनट तक चली। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदन की कार्यवाही को लोकतंत्र की हत्या बताया। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम पटेल ने प्राइम टीवी के संवाददाता से बताया कि प्रदेश सरकार सदन को स्थगित करके उपचुनाव में मशीनरी का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने कहा कि सदन को इसलिए स्थगित किया गया ताकि विपक्ष जनता के मुद्दे को सदन में ना उठा पाए। समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी हैं। सर, ये बताइए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किन मुद्दों पर बैठती, क्या कुछ मामला? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपने पूरा लाइव भी अपने करके दिखा भी दिया है और जानकारी भी ली है। सबसे बड़ी बात है कि जो अभी उपचुनाव हुए, उपचुनाव में रामपुर में जिस तरीके की धांधागर्दी हुई है, जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता काम किया है और वहाँ मतदान का प्रतिशत बहुत गिर गया, ये बहुत चिंता का विषय है। मैनपुरी हो चाहे खतौली हो, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और इन चुनावों को प्रभावित करने का काम किया। इसके अलावा जो सदन अभी कल अचानक बंद कर दिया, 3 दिन के लिए इस सदन की कार्यसूची थी और सदन वो दूसरे दिन बंद कर दिया गया। लगातार सदन चलाने से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, क्योंकि सदन में ही जन समस्याओं पर चर्चा होती है, समाज के हर हर वर्ग की चर्चा होती है, जहाँ सरकार की गलतियाँ होती हैं सरकार को आगाह किया जाता है, सरकार को मीडिया भी बताता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हवा हवाई बातें करती रहती है और सदन नहीं चलाती है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सर, एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी पे जोरदार हमला कर रहे हैं और उधर जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो ईडी और रिवर फ्रंट के मामले में ईडी और सीबीआई की जांच कराने की बात कर रही है, तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि विपक्ष को या जो भी उनके विरोध में बोलेगा, जो भी उनकी गलतियाँ बताएगा, उनको इन संस्थाओं से धमकाते हैं, डराते हैं, उत्पीड़ित करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, हमारी ये परंपरा नहीं रही है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाओ। आप अपनी गलती देखो, अगर गलत है तो सुधारो, नहीं गलत है कोई बात नहीं, लेकिन गलत अगर है तो आप उसको सुधारो। इसीलिए लोकतंत्र है, पक्ष और विपक्ष इसीलिए होता है। सर, आपने तीनों उपचुनाव में धांधली की बात की, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगाया, कल जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे, तो तीनों उपचुनाव के रिजल्ट को आप किस प्रकार से देखते हैं? अगर नतीजे आपके अनुसार नहीं आए तो फिर समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा? देखिए, हमारी पार्टी ने भी कहा है, समय समय पर चुनाव आयोग पर शिकायत भी की है और आज भी आपके माध्यम से हम भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत ही दर्ज कराए हैं कि इसको संज्ञान ले, जो यहाँ वीडियो दिखाए गए उसका संज्ञान ले भारत निर्वाचन आयोग और निष्पक्ष चुनाव कराए। सर, लखनऊ में एक हफ्ते तक आपका डेलीगेशन जो है वो जाता रहा है निर्वाचन आयोग, तो रामगोपाल यादव जी भी दिल्ली ईसीआई ऑफिस तक पहुँचे थे, तो निर्वाचन आयोग का रिस्पॉन्स कैसा था? देखिए, निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास हम कई बार अपना प्रतिनिधि मंडल लेके अपना ज्ञापन दिया है और हमको हर बार आश्वासन मिला है कि हम जांच कराएंगे, जांच करा कर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने इसका कोई निराकरण नहीं किया है। इसीलिए हम लोग आपके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को बताए हैं कि इसका संज्ञान ले और निष्पक्ष कार्य करें।
तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी, जिन्होंने तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की बात कही और ये भी कहा कि सदन स्थगित, सदन को 6 घंटा 28 मिनट तक ही चलाया गया, सदन को पूरा चलने भी नहीं दिया गया और वो भारतीय जनता पार्टी सदन को चलने से घबरा रही है ताकि विपक्ष जो है जनता के मुद्दे को सदन के सामने ना रख पाए। मैं विवेक शाही कैमरामैन विजय के साथ प्राइम टीवी लखनऊ। खबर लखनऊ से है जहां समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने सदन के स्थगन पर सरकार का घेराव किया। सपा नेता ने प्राइम टीवी से बातचीत में कहा कि सरकार के आदेश पर विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र स्थगित कर लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने उपचुनाव में धांधली और वोटरों को वोट डालने से रोकने का भाजपा पर आरोप लगाया। 2024 में लोकसभा चुनाव में गैर बीजेपी सरकार बनेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अब तक का सबसे छोटा सत्र रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक रविदास मल्होत्रा जी। सर, ये बताइए कि सदन को जिस तरीके से 3 दिन का सदन चलना था, 2 दिन में इसको बंद कर दिया गया, अखिलेश यादव भी सदन में हिस्सा लेने वाले थे, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? इतना छोटा सदन आज तक कभी नहीं हुआ है। एक दिन आदरणीय मुलायम सिंह जी का शोक संवेदना थी और उसके बाद केवल सत्र हुआ एक दिन का, कल का, और तमाम जनता के मुद्दे थे। आज जो है हम लोगों ने ये कहा था कि प्रश्नकाल हो जाए और प्रतिपक्ष नेता अखिलेश यादव जी वो आएंगे, वो बोलेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी को बोलने से रोकने के लिए कि वो सत्र को ख़त्म कर दिया गया। मैं अभी विधानसभा से आ रहा हूँ और वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष बैठे हुए हैं। जब वो यहाँ बैठे हुए थे, विधायक लखनऊ में थे, तो सत्र को स्थगित करने का कोई भी कारण नहीं था। आप जा रहे हैं घूमने कनाडा, वो आवश्यक है कि जनता के मुद्दे आवश्यक हैं, जनता की समस्याएं आवश्यक हैं और उन समस्याओं पर जब चर्चा होती है, अधिकारियों को आदेश दिए जाते हैं तो क्षेत्र में कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के, विधायकों के प्रश्नों से बचना चाहती है और प्रतिपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ना बोल पाए, इसलिए उन्होंने सदन को स्थगित करने का काम किया है, जो लोकतंत्र की स्पष्ट रूप से हत्या है। संवैधानिक जो जनता के, विधायकों के अधिकार हैं, ये उसका हनन है। मेरे पास अभी आज की कार्यवाही का, जो आज कार्रवाई होनी थी, उसका कार्यसूची भी है जो छप गई थी और उसके बाद उसमें सारे मेरा प्रश्न लगा हुआ है उसमें, और इसलिए उसका उत्तर न देना पड़े, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार के आदेश पर जो है वो चुनाव आज वह सत्र जो है वो निमित्त करने काम किया है। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी आज सदन में आने वाले थे, जो है प्रश्न भी करने वाले थे सवाल से, उधर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, उन्होंने पलटवार किया था कि अखिलेश जी अपनी थकान मिटा रहे हैं उपचुनाव की। नहीं, अखिलेश यादव जी जो EVM मशीन है, परसों 5 तारीख को मतदान था, उनका वोट था, तो उन्होंने अपने वोट का उपयोग किया, उनके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव था, तो निश्चित रूप से जहां का विधायक होगा वो वहां पर रहेगा। और उसके बाद कल पूरी EVM मशीन को वहां पर बंद कराने का काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये साजिश थी कि माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ से हट जाएँ और विधानसभा में आ जाएँ तो वहाँ पर बेमानी करने का काम कर लें, जैसे उन्होंने रामपुर उखतौली में कर लिया है, लेकिन रामपुर में कर लिया, लेकिन मैनपुरी में वो नहीं कर पाए क्योंकि अखिलेश यादव जी थे। फिर कल तय हुआ था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलेंगे और मुख्यमंत्री जी के बोलने के बाद आज 7 तारीख को अखिलेश यादव जी का बोलना तय हुआ था, इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी आज आए थे और कार्यालय में बैठे भी हुए हैं, लेकिन उनके भाषण से, उनके जो बातें थीं उससे घबरा करके सरकार ने इस स्थगन आदेश कर दिया। सर, ये बताइए कि CBI ने अनुमति मांगी है सरकार से रिवर फंड घोटाले में शिवपाल यादव से पूछताछ के लिए, क्या कहेंगे इस पे आप? 5-6 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। जब माने शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत ईमानदार और असली समाजवादी हैं,
अब वो जांच कराने की मांग कर रहे हैं, वो जांच कराएं। हम लोग इससे उनकी जांच से, उनके दमन से, उनके जुल्म से, उनकी अन्याय से, पुलिस की लाठी से, पुलिस की गोली से, मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हम जनता के मुद्दों को ले करके, जन समस्याओं को ले करके संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। सड़क से विधानसभा के अंदर तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर इन तीनों उपचुनाव में नतीजे आपके जैसे नहीं है, जैसा आप अनुमान कर रहे हैं नतीजे वैसे नहीं आए, तो समाजवादी पार्टी का फिर रुख क्या होगा? देखिए, मैनपुरी में जो मतदान हुआ है उसके हिसाब से जीतते हैं अधिक से, लेकिन तमाम तरह की धांधली करी, मतदाताओं को रोकने का प्रयास किया, जो पोलिंग एजेंट हैं उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया, लेकिन जनता खुद चुनाव लड़ रही थी। तो मैनपुरी में चुनाव हम लोग जीत रहे हैं और रामपुर और खतौली में भारतीय जनता पार्टी ने बेमानी में कुछ सफल हो गए हैं, लेकिन मैनपुरी हम लोग जीत रहे हैं। और मैनपुरी चुनाव जीतने के बाद 2024 में चुनाव होंगे लोकसभा के, और दिल्ली में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। उस गैर भाजपाई सरकार में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता रविदास मल्होत्रा जी, जिन्होंने यह दावा किया है कि 2024 में जो आगामी लोकसभा चुनाव है वहाँ दिल्ली में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और 2024 में अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं विवेक शाही कैमरामैन विजय के साथ प्राइम टीवी लखनऊ। लखनऊ में थाना इंदिरा नगर क्षेत्र में तकरोही रोड पर बनी वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर्स पर विकसित कॉलोनी के पार्क की जमीन को बेचने का आरोप लगाया है। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं सोसाइटी के निवासियों ने मामले को अपर मुख्य सचिव गृह और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री से शिकायत की, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी लखनऊ और पुलिस कमिश्नर को जाँच के कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ेंगे। रितेश, पार्क की जमीन को बेचने का काम किया जा रहा है जिसको लेकर लोगों ने नारेबाजी की है, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अभी जो जानकारी यहाँ पे मिल रही है ये लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित जो तकरोही बाजार है, तकरोही बाजार के आसपास का ये मामला है। तो एक निजी कॉलोनी है, इसको बिल्डरों ने बिल्डअप किया है, बनाया है वहां पर और मकान बना करके करीब 50-50, 60-60 लाख रुपए में मकान बेचे हैं। तो वहां के निवासियों का ये कहना है कि बिल्डरों ने एक वादा किया था, नक्शे में एक दर्ज किया था कि आपको यहां पर एक पार्क की भी सुविधा दी जाएगी, जो रजिस्ट्री में कहीं पीछे मेंशन है इस चीज को लेकर के। और उसके बाद इनका आरोप ये लगा रहे निवासी वहां की कि जो जमीन थी, जो पार्क की जमीन थी, उसको भी बिल्डरों ने मिली भगत करके और लोगों को बेच दिया है, उसकी रजिस्ट्री कर दी है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वहां के निवासी जो बता रहे हैं कि इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत की है और प्रमुख सचिव से शिकायत किया गया है, तो उन्होंने इसके लिए एक कार्रवाई करते हुए लखनऊ कमिश्नर को और जिलाधिकारी को पत्र भेजा है कि जल्द से जल्द इसकी जांच करा के कार्रवाई करें इस पे। हालांकि अभी जो वहां पे जो निवासियों ने आरोप लगाया है, बिल्डर्स के खिलाफ भी आरोप लगाया जा रहा है। इंदिरा नगर क्षेत्र का मामला है, तकरोही रोड पर एक शिवम सिटी वेलफेयर सोसाइटी है, उसमें जो मकान बनाए हैं वो लाखों रुपए के मकान बना के बेचे जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक यही जो अभी तब तक सामने बात निकल के आ रही है प्रथम दृष्टया कि वहां पर पार्क के लिए उनको जमीन कहा गया था देने के लिए, नक्शे में मेंशन था, सभी की रजिस्ट्रियों में एक नक्शा मेंशन है जिसमें पार्क की जमीन छूटी हुई है 3700 कुछ स्क्वायर फुट का बताया जा रहा है। लेकिन अब ये आरोपियों का, ये निवासियों का आरोप है बिल्डर के खिलाफ कि उस जमीन को इन लोगों ने किसी को रजिस्ट्री कर दिया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिम्मेदार लापरवाह दिख रहे हैं। आपको बता दें कि एक पत्रकार अपने परिवार का इलाज कराने पहुंचा तो वहां पर इमरजेंसी रूम में बेड पर कुत्ते सोते नजर आए और इलाज कराने आए तिरमादार जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे हैं। रात में जिन डॉक्टरों की ड्यूटी इमरजेंसी में लगी होती है वो अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ दिखते हैं। इस अस्पताल में किसी भी तरीके की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्थाएं न होने पर मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वहीं जब जिम्मेदारों से बात की जाती है
है तो टालमटोल कर नजर आते हैं। खबर गोंडा से है जहां आशा कार्यकर्तियों ने पिछले 8 महीने से वेतन न मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरी कृपाल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि दीपावली में वेतन जारी नहीं किया गया और मीटिंग में उपस्थित होने के रुपए भी नहीं दिए जा रहे हैं। आशा बहुओं ने कहा कि सीनियर के खिलाफ बोलने पर काम से निकालने की धमकी दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रश्मि वर्मा ने बताया कि आशा बहुओं पर वेतन ब्लॉक स्तर पर तकनीकी खराबी के चलते भुगतान नहीं हो सका, जल्द समस्या का निस्तारण कर भुगतान प्रारंभ किया जाएगा। साहू का अभी पूरा नहीं आया, न पूरी संगनी का आया। जब तक हम लोग का मार्च से लेकर दिसंबर तक भुगतान नहीं होगा, तब तक हम लोग भरना नहीं बंद। कितने महीने का भुगतान बाकी? भुगतान बाकी है 6 महीने का। 6 महीने में 2 महीने का हो गया है और 4 महीने का बाकी। अभी आपको कौन सी मैडम ने बताया कि पेमेंट किस तरह आएगा या 2 दिन बाद आएगा, कौन बताया? पड़ेरी कृपाल की है, पूजा जयसवाल। हाँ, उन्होंने कहा था कि 3 दिसंबर तक का हम भुगतान कर देंगे। आज 5 दिसंबर हो गया, अभी अभी मैसेज आया है कुछ आशाओं में, कुछ संगठनों में। आशाओं का अपने मानदेय संबंधी भुगतान के विषय में थोड़ा सा रोष है कि उनका भुगतान समय से नहीं किया। इसका कारण ये है कि नए सिस्टम के अकॉर्डिंग जिले से आशाओं का भुगतान होना है, जिसमें कि शुरू में डीएससी की प्रॉब्लम थी वो बनी, फिर ब्लॉक से बैम उनकी जितना भी मानदेय अलग अलग मद में जो भी है वो बना के यहाँ भेजते हैं और यहाँ से अप्रूव होने के बाद फंड रिलीज होता है एनएचएम से और लिमिट रिलीज होती है, उसके बाद यहां से भुगतान किया जाता है। एक पॉइंट फरुखाबाद में विकासखंड राजेपुर के प्राथमिक विद्यालय परमापुर में शिक्षा व्यवस्था का सिस्टम कई मामलों में फेल होता नजर आया। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय का ताला समय से नहीं खोली जाने से नैनिहालों की पढ़ाई बेअसर रही है। इससे पहले भी स्कूल के प्रधानाचार्य का नशे में धुत होकर स्कूल में लेटे होने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सभी नैनिहालों के परिजनों में आक्रोश का माहौल है। प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, कितने बज गए हैं गुरुजी नहीं आए? 9:11 बज गए हैं। क्या ऐसे ही आते हैं क्या जी? नहीं, ऐसे ही आते हैं, कभी कभी 11, कभी 12 और कभी 10:30 ऐसे आते हैं। अच्छा, तो क्या वही स्कूल है जहाँ पर गुरुजी की एक बार वीडियो वायरल हुई थी शराब के नशे में पड़े हुए? हाँ, वही है स्कूल। वही स्कूल है तो बच्चों का मतलब जिंदगी खराब हो रही है और क्या, कोई भी यहाँ देखने वाला नहीं है क्या? ऐसे ही बच्चे घूमते रहते हैं क्या? ऐसे घूमते हैं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अध्यापक कितने आते हैं यहाँ पे? दो लोग। समस्या ये है कि या चावे साथ अपने ले जाएं मास्टर। अच्छा, आज कोई अध्यापक आया है? नहीं आया अभी। परीक्षा हो रही है? परीक्षा कर लो जाने भाई, ठीक नहीं गई थी, हमको मालूम नहीं चला। अच्छा, तो आज कितना बजा है तब तक गुरु जी नहीं आए हैं? लगभग 11 बजे जाते हैं। 11 बजे जा रही है। अब इसमें तो दिख रहा है कि 11 बज चुके हैं। अच्छा, 11 तो अभी तक कोई भी गुरुजी नहीं आया? कोई नहीं गुरुजी आया। अच्छा, स्कूल परिसर खाली पड़ा हुआ है, दिख रहा है कोई नहीं आ रहा है? कोई नहीं है। क्या ऐसे ही आते हैं क्या? बुलंदशहर के सिकंदराबाद में जेएसपीजी डिग्री कॉलेज स्टाफ ने हिजाब में छात्राओं को कॉलेज में दाखिल होने से रोका है। साथ ही छात्राओं के लिए चेंजिंग रूम का भी इंतजाम कराया गया है। हाल में ही एबीवीपी के छात्राओं के प्रदर्शन के बाद कॉलेज में ड्रेसिंग कोड लागू किया। कॉलेज प्रबंधन के फैसले के विरोध में छात्राओं के परिजनों ने कॉलेज परिसर में हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। बताने की मैं अफसान हूँ, छात्रों के इसकी आवाज़ शुरू से उठाता चलाया हूँ। 2020 में यहाँ से मैं पाउट पास आउट हूँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पर कुछ लड़कियाँ आई हिजाब में और बुरखे में, तो उन्हें जो कॉलेज स्टाफ की तरफ से रोका गया। कौन से कॉलेज में? एक जीएसटीजी कॉलेज है, इसके कॉलेज स्टाफ की वजह से उन्हें रोका गया और वापस लौटा दिया। सिर्फ हमारी एक ही मांग थी, मेरी लास्ट टाइम प्रिंसिपल सर से बात भी हुई थी कि उनके लिए एक रूम अवेलेबल कर दिया जाए। वो बुरखे में आएंगी और अपनी चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करके क्लास चले जाएं, क्लास चलाएंगी और वापस आ जाएंगी, लेकिन उन्हें यहाँ रोका गया और अब कोर्ट में इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्हें हमने अपनी बात समझाई, उन्होंने रूम अवेलेबल कराया है उससे और।
बांदा में कॉलेंजर थाना क्षेत्र के छितैनी गांव में किसान अपने खेत में पानी लगाने गया था। रात में ठंड लगने से किसान की मौत हो गई। आपको बता दें कि किसान मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये सर पानी लगाने गए, ठंड के कारण खत्म हो गए सर। ठंड की वजह से? जी 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 सर। अच्छा, तो ये मतलब खेती है इनके पास? खेती है सर। तो क्या इनके ऊपर कुछ कर्ज वगैरह था? कुछ नहीं है सर। कर्ज नहीं कुछ है? नहीं सर। ठंड की वजह से खत्म हो गए? अच्छा, तो ये किसान है? जी सर। तो अभी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए क्या है? जी सर। अच्छा, अब पता नहीं सर, हाल में रहा है। अच्छा, खेत में खत्म हुए? खेत में खत्म हुआ। ठंड की वजह से खत्म हुए क्या? ठंड की वजह से खत्म। अच्छा, कितनी खेती है इनके पास? खेती है 4-5 बीघा। 4-5 बीघा किसान है ये? किसान। कितने बच्चे हैं इनके? एक। एक ही लड़का? हाँ, बस लड़का बस है? बस एक है। अच्छा, और बेटियाँ? दो लड़कियाँ। हाँ। शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई दोनों की। हाँ, सब लड़कों का। अच्छा, सब की हो गई है। हाँ, मतलब नाती नत हो गई। दो बेटी हैं और एक लड़का है। हाँ। ये ठंड की वजह से खत्म हो गए। गाजियाबाद में कुछ दिन पहले एक शर्मनाक करतूत सामने आई। आपको बता दें कि पुलिस को रेप और हत्या के मामले में सफलता मिली है। कुछ दिन पहले हुई 5 साल की बच्ची के साथ रेप की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें कि आरोपी गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने एक स्कूली छात्रा का 1 दिसंबर को पीछा किया था। जब वो स्कूली छात्रा को शिकार बनाने में नाकाम रहा तो उसने 5 साल की मासूम बच्ची को अगवा किया और सिटी फॉरेस्ट में ले जाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। 1 तारीख को थाना शाहबाद क्षेत्र में एक 5 साल की बच्ची के गुम हो जाने की खबर प्राप्त हुई, सूचना मिली थी थाने पर। उस पर तभी तत्परता से लेते हुए इस केस पर टीम्स एक्टिवेट कर दी गई थी इस बच्ची की बरामदगी के लिए। अनफॉर्चुनेटली 2 तारीख को दिन के समय पर हमको लड़की का शव सिटी फॉरेस्ट के जंगल से बरामद हुआ। उसके बाद लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए गया, उसमें कई सारी चीज़ें निकल के आई, तो अभियोग में धाराओं की वृद्धि करके उसके बाद इस पर हमने एक्सटेंसिव टीमें लगाई, 10 से 15 टीमों का गठन किया। 10 से 15 टीमें लगी हुई थी सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के लिए। सर्विलांस में भी हमने कई सारे जो भी संदिग्ध नंबर थे उन पर काम किया। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।